एक तरफ जहां सरकार की तरफ से नए नए प्लांट और युवाओं को रोजगार के अवसर देने की बात हो रही है, तो वहीं बक्सर चौसा थर्मल पावर प्लांट में स्थानीय मजदूर संगठनों के द्वारा मुख्य गेट को जाम कर मजदूरों को अंदर जाने से रोक दिया गया, जिस वजह से कई घंटों के लिए कार्य पूरी तरह से ठप रहा। प्रदर्शन के दौरान मजदूर संगठनों ने अपनी कई मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान पावर प्लांट का मुख्य गेट बंद कर दिए जाने के बाद मजदूरों के साथ साथ मालवाहक गाड़ियों की एंट्री बंद हो गई। वहां काम बंद होने के बाद SG1 के अधिकारियों में हड़कंप का माहौल कायम हो गया। ऐसा है कि हम लोग विकास के बाधक नहीं होंगे, बाधक रहते तो हफ्ता में 2-3 दिन रोज जाम रहता, लेकिन तो बाधित है अभी। ना, ना, अभी बाधित है ना, किस लिए बाधित है ये नहीं समझेंगे आप लोग। ये है कि यहाँ लोकल को एकदम तहजीब नहीं दी जाती है, योग्य युवाओं को यहाँ नौकरी नहीं दिया जाता है। विधायक और सांसद के हिसाब से लोग यहाँ के पीढ़ी जो LNT के पीढ़ी है वो चलते हैं विधायक और सांसद के हिसाब से। बाकी यहाँ का जो हक अधिकार है कंपनी के पॉलिसी में जो लिखा है, लिखित में है, उसके अनुरूप ये लोग नहीं चल रहे हैं, विधायक और सांसद के हिसाब से चल रहे हैं। हम लोग का क्या मांग है, जो भी है कंपनी का जो पॉलिसी है बोला है कि योग्यता के अनुसार हम लोग इसमें रोजगार देंगे या रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता से आपको देंगे, लेकिन वो लोग ये लोग कर नहीं रहे हैं। अभी तक शासन प्रशासन के तरफ से अभी लोग आए, लेकिन वो कंपनी का एक भी नुमाइंदा अभी कोई देखने नहीं आया, कोई कुछ जानने लोकल का नहीं आया कि क्या मांग क्या है। मांग हम लोग का यही है कि लोकल का जो हक और अधिकार है, रोजगार है, रोजगार का अवसर है, मजदूर जो है 8 घंटा काम करना चाहिए, 12 घंटा लोग काम कराता है, जो मजदूरों की निर्धारित मजदूरी है उसको ये इस प्लांट में लागू किया जाए। ये प्लांट कोई आदिवासी बेल्ट में नहीं है कि आप शोषण करोगे और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे और यहाँ के लोगों को इग्नोर करके आप भगाते रहोगे। यहाँ के लोग कोई डाकू और चोर नहीं है, यहाँ के लोग भूदाता हैं, प्रभावित हैं, इनका हर एक चीज़ों में पहला अधिकार इन्हीं का बनता है, उसके बाद किसी का बनता होगा, या सांसद का बनता होगा, या विधायक का बनता होगा, या प्रशासन और शासन का बनता होगा। जी सर, क्या नाम? अर्जुन कुमार यादव, राजद मजदूर सेल के हम जिला अध्यक्ष हूँ। समस्या आई थी, इन्होंने हमको 5-6 पॉइंट दिए हैं। एक कि लोकल आदमी को नौकरी देना चाहिए, जो आदमी काम करना इच्छुक काम करना चाहता है वो काम करना देना चाहिए, आपका मिनिमम वेजेस के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए और टाइमली पेमेंट होना चाहिए। ये इनके 4-5 मुद्दे हैं जो कागज़ उनके पास, अभी तक कागज़ मेरे पास आया नहीं है, जो 5-6 मुद्दे इन्होंने दिए। सर, PP मोड में 80-20 के तहत यहाँ पर कार्यरत करना था, स्किल्ड नॉन स्किल्ड, टेक्निकल नॉन टेक्निकल और सप्लायर्स की, क्या इस फर्म में इस तरह का अब तक प्रावधान किया गया था? अभी तक हमारे पास जो डिटेल है अवेलेबल है, मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने लोकल आदमी को काम दिया गया है, कितना बिहार स्टेट का आदमी को काम दिया गया और कितना बक्सर डिस्ट्रिक्ट का, उनका पूरा डिटेल हम लोग रखते हैं और कोशिश किया जाता है कि लोकल आदमी को काम दिया जाए। लेकिन स्थानीय लोगों का तो सीधा आरोप है सर कि यहाँ के स्थानीय लोगों को काम नहीं दे करके बाहर के लोगों को रखा गया है। साहब, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है हम काम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उनका जो कोर टीम होती है उनकी अपनी होती है, उसके बाद उसका सपोर्ट करने के लिए जो योग्यता अनुसार आदमी होते हैं वो लिए जाते हैं। सब यदि यहाँ पे आज सिर्फ प्रभावित के 500 आदमी काम कर रहा है, बक्सर का तकरीबन 1200-1300 आदमी काम कर रहा है, तो यहाँ से ही लेके तो काम शुरू करा है। सर, जो समस्या आई है उसके सामने ये क्या निदान निकला? सर, तो उन्होंने पॉइंट दिए, हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और इनको प्रूव करेंगे कि ये जो भी पॉइंट्स हैं इनको रिजॉल्व करेंगे। सर, वही मौके पर स्थानीय पुलिस के अलावा स्थानीय प्रशासन भी पहुंच गया और लोगों से बातचीत कर इस मसले को हल करने की बातचीत शुरू हुई। कई घंटों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों से भी संबंधित एक लिखित मेमोरेंडम कंपनी के अधिकारियों को सौंपा और जल्द से जल्द इस दिशा में कार्रवाई करने की मांग की। पंजाब केसरी TV के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।